प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स और फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज टेक्सोनॉमी वी कैन डिफाइन द ट एक्सोनॉमी एज थीरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम बेसिकली टेक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है पहला जो वर्ड है टैक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट और दूसरा जो वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है नोमोस और नोमोस अरेंजमेंट या लास को हम कहते हैं बेसिकली टेक्सोनोमी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स लीनियस ने टेक्सोनोमी की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई इसको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कहा जाता है करोलस लीनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट जोलोजिस्ट और एक माहिर फिजिशियन थे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया इनके मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसी तरीके से इनकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी इन्होंने एक तो बाइनोमियल नोम क्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ साथ इन्होंने हायरकियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया बाइनोमिनोवन क्लेचर के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा हिस्सा इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है लीनियस ने यह कहा कि हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को तीन किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और तमाम ऑर्गेजम आसानी से इन तीन किंगडम्स के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं इनमें से जो पहली किंगडम थी वो एनिमल्स दूसरी किंगडम प्लांट्स और तीसरी किंगडम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो मिनरल्स थी हमारी जो सेकंड टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड दे हैव बेसिकली इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है ये बहुत ज्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाती है हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके गिर्द डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जबकि सेल्स जो होते हैं इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल होता है इट इज बाउंडेड बाय ए डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल्स की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेजम सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेजम्स कहते हैं जैसे अमेबा है पैरामिशियम इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ज्यादा सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं सिमिलरली वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं बहुत सारे कार्निवोर्स होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं इसी तरीके से कुछ ऑर्गेजम प्लांट और एनिमल दोनों मैटर कंज्यूम कर सकते हैं इनको हम ऑमनी कहते हैं इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गम्स डेट्राइटस मैटर के ऊपर फीड करते हैं इनको हम डेट्री वोर्स कहते हैं सिमिलरली वी कैन डिवाइड द ऑर्गजम्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑर्गम्स के अंदर सिलोम मौजूद होती है जो कि एक बॉडी कैविटी है ये जो बॉडी कैविटी है अगर ये तमाम करेक्टर्स जो इसके अंदर होने चाहिए वो किसी ऑर्गम्स के अंदर मौजूद हैं तो इसको हम ट्रू सिलोम कहेंगे और ऐसे ऑर्गम्स इनके अंदर ये ट्रू सिलोम मौजूद होती है उनको हम सिलोमेट कहते हैं और ऐसे ऑर्गम्स इनके अंदर ये सिलोम मौजूद नहीं होती उनको हम ए सिलोमेट कहते हैं और कुछ ऑर्गम्स उनके अंदर ये सिलोम मौजूद तो होती है लेकिन इसके जो करैक्टर्स होने चाहिए अगर वो कम्प्लीट नहीं है तो ऐसे ऑर्गेजम्स को हम सुडो सिलोमेट या सिलोम रखने वाले ऑर्गेजम्स कहते हैं अरिस्टोटल को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं बेसिकली इसने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए बहुत सारी कैटेगरीज बनाई ऑर्गेनिजम्स के लिए इसने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया फॉर एग्जांपल इसने ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर ऑर्गम्स को क्लासीफाई किया इसने टू फुटेड या फोर फुटेड की बेस के ऊपर ऑर्गम्स को डिवाइड किया इसने हेयर्स या फेदर्स की बेस के ऊपर ऑर्गम्स को क्लासीफाई किया इसी तरीके से इसने ऑर्गम्स के अंदर शेल की प्रेजेंस या शेल की एब्सेंस की बेस के ऊपर ऑर्गम को क्लासीफाई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही फेल टू गिव एनी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन